जैसे राम मंदिर बन गया हिंदू राष्ट्र भी बनेगा 2026 में बनेगा। तो हमको हिंदुस्तान को हिंदू स्थापित वो करने की जरूरत नहीं है, ये तो है। मुसलमान जो इधर गया उधर भेज दो आप। भारत माता जय बोलना चाहिए। हाँ। वो लोग क्यों भारत माता जय नहीं बोलता है, वो सवाल हमको चाहिए। राहुल गांधी का वजूद खत्म है, उनके बारे में सोचना ही बेकार है। जो उसके हकदार थे सबको नौकरी मिली, बेरोजगारी का रोना और ढोंग वही कर रहे हैं जो पढ़ नहीं रहे सही। बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक चल झूठा जी। प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में, और हमें सुमित कुमार। देखिए लगातार अयोध्या से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया है, लेकिन अब उसके बाद राम मंदिर के बाद ऐसे कई सूर आ गए हैं जिसमें कहने लगे हैं कि अब राम मंदिर तो बन गया है, अब हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे। तो क्या इंडिया में ये पॉसिबल है, और आगे चल के क्या योगी आदित्यनाथ को जैसे लोग बोल रहे हैं कि अब योगी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, इस वाली सोच पे युवा का क्या राय है ये समझने आया। देखिए हमारे साथ बिहार, यूपी और अलग अलग राज्यों से भी युवा हैं, और यहाँ लता मंगेशकर चौक है अयोध्या का, तो समझने जरूर है कहाँ से आए हैं आप? सर जी हम इंदौर से आए। इंदौर से आप कहाँ से आए? हरियाणा। हरियाणा आप? हम अयोध्या के ही रहने वाले हैं। तीन स्टेट तो यही मिल गए युवा को, क्या लगता है आप कहाँ से हैं? दिल्ली। दिल्ली, देखिए चार स्टेट आप, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, देखिए पूरा भारत इकट्ठा करके रखे और सब युवा हैं। एक बात बताइए, राम मंदिर बन गया, अब ऐसे कई सूर हैं, कई लोग ऐसी बातें करने लगे कि अब हिंदू राष्ट्र भी होने वाला है, क्या लगता है? बींग यूथ पढ़ते हैं आप, क्या लगता है? राम मंदिर अभी झांकी है, ठीक है, काशी मथुरा बाकी है, जय श्री राम, श्री राम। हिंदू राष्ट्र में क्या करते हैं? भगवा लहराएंगे, योगी आदित्यनाथ मोदी जी को फिर से लाएंगे। अच्छा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनने पे क्या सोचते हैं? अभी तक सोचने का बाकी, सच में सोचेंगे और पॉसिबल तो नहीं है ना। हिंदू राष्ट्र के लिए ऐसे हो सकता है कि पहले जो थे शेर कोई नहीं थे, सबके सब ऐसे ही थे बंदर, अब जो शेर मिल गया हमको मोदी जी, और शेर के आगे सब अब चलेंगे। शेर के आगे पर कानून भी कोई चीज है ना, इंडिया का कानून ये इजाजत नहीं देता कि आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे, पता तो होगा आपको इतना। वो तो बताया बाकी, जब शेर है संग में तो किस बात के हमको डर है? जब शेर हमारे संग खड़ा मोदी जी जैसा कोई शेर नहीं अभी तक, जितने उनने काम कर लिए वो आज तक कोई नेता नहीं कर पाता। अच्छा। जो मोदी जी और योगी जी में जो ताकत है वो भारत के, पावर तो कांग्रेस के पास भी थी राम मंदिर बनाने की, उन्होंने क्यों नहीं बनाया? कोर्ट ने बनाया है ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ना, ये तो जानते हैं आप लोग। कांग्रेस के जमाने में क्यों नहीं आया? फैसला तो आया, बट इन्होंने कोशिश तो किया है ना, जो हमको बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो कोशिश नहीं किया। क्या लगता है कि यही योगी आदित्यनाथ या मोदी जी अब हिंदू राष्ट्र के लिए भी कोशिश करने वाले हैं? हिंदू राष्ट्र जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र नाम पे है। होना चाहिए या होगा? जरूर चाहिए, जरूर होना चाहिए, हो गया है और होना भी है। हमारा यहाँ पे परसेंटेज कम हो रहा है, पर हमारा हिंदू राष्ट्र है भी नहीं अभी तक, लेकिन होना चाहिए, अभी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्यों ऐसे नहीं ठीक लग रहा है कि सब धर्म के लोग अपना अपना धर्म फॉलो? बट हमारा इंडिया में हमारा धर्म लोग बहुत कम है। आप देखने जाएगा दूसरा स्टेट में, जैसे कि अलग अलग हम नहीं बताऊंगा, जो दूसरा स्टेट में जाएगा हमारा, आए हो आप असम से, असम तो उस स्टेट में 10% से ऊपर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 30% 40% नॉर्थ ईस्ट से हो तो क्या प्रॉब्लम है, क्या लग रहा है? प्रॉब्लम हमारा ही है, हमारा एक हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है, हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है। लेकिन देखिए कानून भी अपनी चीज है, और लोग है, और युवा है, यहाँ पे कहाँ से आए हैं आप? लोग भारत माता जय बोलना चाहिए। हाँ। वो लोग क्यों भारत माता जय नहीं बोलता है, वो सवाल हमको चाहिए। नहीं तो ठीक है ना, सबकी अपनी आस्था, सबकी अपनी सोच है, क्या दिक्कत? उसी में तो छुपा हुआ है भाई। हाँ। जो भारत हिंदू जय माता, भारत माता की जय क्यों नहीं बोलता है? उसी में तो छुपा हुआ है। बट भारत माता की जय अगर नहीं भी बोलता तो जबरदस्ती थोड़ी बोलवाना है? अगर वो भारत माता की जय बोल देगा उसी दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, उसी दिन बन जाएगा। चलिए, क्या लगता है भैया, राम मंदिर बन गया, कई लोग अब युवा बात करने लगे हैं कि हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए, क्या लगता है सोच सही है या अच्छा नहीं? सही है। क्यों? हाँ, सही लगता है क्या है? एकता, आपको नहीं लगता कि एकता होनी चाहिए? हाँ, एकता होनी चाहिए, तो एकता धर्म निरपेक्षता से आएगी ना, क्या आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर देने से आएगी? जैसे राम मंदिर बन गया हिंदू राष्ट्र भी बनेगा 2026 में बनेगा, 2026 में हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये भरोसा किन से उम्मीद है? कौन बना देंगे हिंदू राष्ट्र? ये योगी जी, मोदी जी, टाइगर जी बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे ये? अच्छा, इंडिया का शेर है ये, हमारे योगी जी और मोदी जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बात बता दूं, जो राम को लाए हैं, हाँ। पता ना आपको, हम उनको लाएंगे तो वो हिंदू राष्ट्र भी लाएंगे। अब
क्या लगता है, ये सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे। हिंदू राष्ट्र बनना नहीं, भाजपा सरकार ऐसा ऐसा काम कर दी है जो असंभव था उसको संभव कर दी है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यही राम मंदिर मुद्दा को इतना। लेकिन राम मंदिर का भी फैसला आपको भी सच्चाई पता है कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया 2019 में, उसके बाद पहले भी तो सरकारें थी, सुप्रीम कोर्ट था, पैरवी तब भी होती थी, पैरवी किस तरह के होती थी। क्या लगा कोशिश कर रहे आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी लगा के जुगाड़ लगा के, जुगाड़ नहीं आप गलत हो, पैरवी हर चीज की पैरवी होती है सर, ये कोई पैरवी, अगर आप पैरवी नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। पैरवी करने वाला कैसा होना चाहिए, पैरवी करने वाला धारा 370 हटा कैसे हटा आप बताइए। अच्छा तो क्या लगता है कांग्रेस इतना गड़बड़ कर चुकी है, कांग्रेस कुछ नहीं, सरकार ने कोशिश नहीं करी कि राम मंदिर बन जाए कभी, कोशिश केवल मोदी जी, आप ही नहीं रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में। उन्होंने खुद के 18 वकील खड़े किए हुए थे कि राम मंदिर के विरोध, तो वो कहां से चाहेंगे कि राम मंदिर बने। राहुल गांधी जो है दो नाव पर पैर रखे हुए हैं, राहुल गांधी का वजूद खत्म है, उनके बारे में सोचना ही बेकार है। एक लाइन में राहुल गांधी के बारे में कुछ बोलना हो तो क्या, 24 में सब खत्म होने वाला, राहुल गांधी के बारे में एक लाइन में कुछ बोलना हो तो क्या कहेंगे? राहुल गांधी का यही बोलना चाहेंगे कि उन्होंने कभी इंडिया के कुछ सोचा नहीं और कभी कोशिश भी नहीं है कि इंडिया आगे आगे बढ़े। जो मोदी जी और योगी जी ने जो कर दिखाया वो कोई नेता नहीं कर बढ़े या नहीं, इंडिया बना लिया उन्होंने अपना गठबंधन का नाम भाई, वो आपस में नहीं हो पा रहे कि एक दूसरे के, तो इंडिया को हमारी जनता कैसे एक साथ कर पाएंगे। मोदी जी योगी जी ने कर दिखाया वो, हम सब एक हो गया। किसी को बनाने से कुछ नहीं बनेगा जब तक जनता जिसको नहीं बनाएगी। यहाँ पर जनता सरोपर है, जनता ने मोदी योगी को पसंद कर लिया, भाजपा को पसंद कर लिया, आज भाजपा सबके साथ। अब हमेशा भाजपा ही, हमेशा नहीं, अभी शिकायत नहीं, अभी युवा है, रोजगार है कि नहीं है, रोजगार रोजगारी तो बहुत बढ़ गया 45 साल में, सबसे ज्यादा बढ़िया कैसे पूरे देश में बढ़ गया हर रिपोर्ट। अच्छा गलत रिपोर्ट है, बात करो अभी आपने यहाँ की बात की है ना, यहाँ रोजगार कौन सा मिले, ये देखो ये बसेस चल रही हैं, जो ऑटो चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं ये, तो इनसे वुमेन के लिए चला रहे हैं। तो क्या क्या आप क्या पढ़ाई की हो? मैंने प्लस टू की अभी। प्लस टू आपने क्या किया? MBA किया। तो MBA करके क्या ऑटो चलाने बोलते हैं इनको, ये सवाल है ना। ऑटो नहीं, हम तो हमारे बिजनेस कहेंगे, बिजनेस करने पड़ेगी, बिजनेस करते हैं हमारी खुद के दम पे खड़े होंगे खुद के। लेकिन अभी देखिए इस सच्चाई को भी तो मानना पड़ेगा ना कि बेरोजगारी बढ़ी है, क्या नहीं मानना पड़ेगा? बताइए, हमने तो इस देखा इस सरकार में ऐसे घर ऐसे परिवार के लोगों को रोजगार मिला है जिनके यहाँ खाने के लिए रोटी सब्जी नहीं रहती थी शाम को एक टाइम का, उनके घर में नौकरी मिली है। इस सरकार में पारदर्शिता हुई है, जो उसके हकदार थे सबको नौकरी मिली। बेरोजगारी का रोना और ढोंग वही कर रहे हैं जो पढ़ नहीं रहे सही से। देश में कोई बेरोजगारी नहीं है, कहाँ बेरोजगारी है? आपको बेरोजगारी लग रही है? यहाँ पे 10 लोग खाने को अयोध्या से है, बेरोजगारी यूपी में कोई बेरोजगार के अंडर बेरोजगारी है। राम मंदिर अब बन गया, ये एक वर्षों का सवाल था, ये सोल्व हो गया। अब कई लोग हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे, तो क्या लगता है ये संभव है? संभव क्यों नहीं है, बिल्कुल संभव है। जब मुसलमानों का पाकिस्तान बन सकता तो हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता, हिंदुस्तान क्यों नहीं बन सकता? पाकिस्तान तो उनका देश है ना, वो बंटवारे के बाद अपना कुछ बनाए, पर हिंदुस्तान उधर गए, हिंदू सब इधर हुए बंटवारे में, यही इधर आ जाएगा। मुसलमान जो इधर गए उधर भेज दो आप नहीं भेज सकते ना, कानून है ना, हमारे देश का संविधान है ना, क्यों नहीं? अच्छा आप लोग युवा हैं, उनका करनी है वो, खुद बोलो उनका करनी है वो, उनका करनी है वो, क्या पाकिस्तान? हाँ और क्या इंडिया के, आप क्या कर रहे हैं कि इंडिया के मुसलमानों का घर पाकिस्तान में है? वो मैंने ऐसा बोला आपको, नहीं तो आप क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान? नहीं आपने बोला ना कि पाकिस्तान उनका मुसलमान हुआ, आपने नहीं बोला। पाकिस्तान एक अलग देश है, मुसलमानों का नहीं बोला, पाकिस्तान एक अलग देश है, वो कर रहे हैं अलग देश है, पाकिस्तान एक अलग देश है, उसपे हम लोग का कोई कॉपीराइट नहीं, वो क्या करेंगे अपने देश में? ये केवल हिंदू राष्ट्र हम लोग चाहते हैं, चाहते हैं और योगी मोदी से आपके द्वारा हम लोग संदेश देना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र भी बना दिया जाए, और वो बनेगा, वो बनेगा, यस बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज के चैनल के माध्यम से मैं बता दे रहा हूँ, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसके बाद आने वाले प्रधानमंत्री हमारे जो है योगी आदित्यनाथ ही होंगे, और युवा और यही जनता के प्रधानमंत्री बनाएगी। और पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान का जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है वो स्वच्छ कहेंगे मुझे एक सुरक्षित जगह दे दिया जाए, और जो है हम यहाँ रहेंगे, देखिएगा ये आगे होना है। अच्छा ये होना है, क्या लगता है? हम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, अब कई लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि अब हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, ये क्या लगता है कि जायज बात है या फिर होगा? देखिए सर, हिंदू राष्ट्र तो है ना, इसको बनने की जरूरत थोड़ी है, हिंदुस्तान में हो ना तो हिंदू राष्ट्र। कई लोग ये चाहते हैं कि घोषित कर दे, कई लोग छोड़ो, हाँ घोषित हो चुका है,
हिंदुस्तान है ना, राम राज आ गया ना, हिंदू हो गए, बचा कुचा मथुरा और काशी हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। हमारा हिंदू, हमारा हिंदुस्तान में हिंदू का नहीं है, हिंदुस्तान के बाहर हिंदू राज्य है हमारा, उसको हमको, उसके लिए हम कर रहे हैं। अच्छा। कि हमको पूरा संपूर्ण पूरे जगत में हमको पूरा हिंदू राज्य चाहिए। हाँ। ना कि हिंदुस्तान में चाहिए। ये भाई ये तो अब तक अखंड भारत की बात होती थी, पूरे जगत में हिंदू राज चाहते जगत के। क्यों पता है क्यों? जगत कुछ भी नहीं था, है ना, सनातन था। सनातन के अलावा कोई दूसरा कोई धर्म नहीं था, है ना, जानते हो ना आप? नहीं भाई, हम इतनी समझ नहीं रखते हैं। नहीं। इस बात पे हुकारी तो नहीं भरेंगे कि पूरा जगत ही सनातन ही था। नहीं रखो आप, नहीं, आप दावा कर रहे हो, ठीक है आप दावा करो, ठीक है, है ना, रखो आप। क्योंकि क्या है कि आप बाहर दुनिया के किसी भी कोने में घूम लो, ये जब मंदिर बनाना है तो उन्होंने इसको खो करा, गड्ढा खाना, कहीं ना कहीं तो अंश मिला। दुनिया के किसी भी अंश में निकाल दो महाकाल, आपको महादेव की आपको एक शिवलिंग मिल जाएगा, ठीक है, और आपको हर एक चीज अपने आपको हिंदुओं का मिलेगा, है ना। तो हमको हिंदुस्तान को हिंदू स्थापित वो करने की जरूरत नहीं है, ये तो है, मतलब कानूनी रूप से घोषित करने की जरूरत नहीं है। हमारा मकसद क्या है, पाकिस्तान से लेके हर एक मुल्क जितने भी है, देश है, दुनिया है, सब हमको हिंदू साम्राज्य चाहिए, और सब केवल एक ही नाम चले, राम का। राम का, ये पृथ्वी किसकी है? राम की। ये ब्रह्मांड किसका है? लेकिन राम भी बात करते हैं मर्यादा की, तो मर्यादा भी तो जरूरी है। ये ब्रह्मांड किसका है? राम का। नौ ग्रह किसके हैं? राम के। और राम किसके हैं? महादेव के। और महादेव से बढ़ के दुनिया में कोई भी नहीं है। चलिए तो इसी बात पे इंद करेंगे। अयोध्या से यही कोशिश थी कि क्या राम मंदिर के बात करने वाले क्या अब इस बात के भी दम भरने लगे हैं, ठीक है, कि दम भरने लगे हैं कि भारत अब हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है, क्या ये पॉसिबल है? कई लोग ऐसी दावा कर रहे हैं। युवाओं से यही पूछने की कोशिश थी, क्योंकि युवा पढ़े लिखे हैं, पढ़ते हैं, वो जनरल तैयारी करते हैं, बेसिक समझ उन्हें भी होनी चाहिए कि क्या हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो सकता है या नहीं। अगर लोग ऐसी दावा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, या अवेयर नहीं है, या फिर उनमें इतनी उम्मीदें हैं अभी सरकार से कि सब कुछ हो सकता है? तो आप भी राय दीजिए, कमेंट करके बताइए। आपने वीडियो तो देखा ही होगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि कई अपडेट अभी और अयोध्या से मिलेंगे आपको, और बाकी देश राज्य का तो मिलते ही रहते हैं। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।